वेलकम बैक टू माय चैनल विद येट अनदर वीडियो। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो जैसा कि आपको आपको पता होगा कि मैं रिसेंटली गई थी कश्मीर। सो कश्मीरी बहुत सारे व्लॉग्स लाइव हो चुके हैं, अगर आपने अभी तक नहीं देखे जाके देख लो। एंड ऑल्सो थैंक यू सो मच फॉर शोइंग सो मच लव ऑन मीशो शॉर्ट कुर्ती हॉल। बहुत ज़्यादा व्यूज़ हैं, बहुत ज़्यादा कॉमेंट्स हैं, बहुत प्यारे प्यारे कॉमेंट्स हैं जिसको पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो बिल्कुल आपने अगर अभी तक नहीं देखा उसे मैं आई बटन पर लिंक कर दूंगी, जाके आप अभी देखो। एंड ये वीडियो भी बिल्कुल देखना, उसके बाद वाला देखना। बट हाँ, अगर वीडियो में पहली बार आए हो, ये फेस पहली बार देख रहे हो, सो हाय माय नेम इज तानिया, आई मेक अ लॉट ऑफ वीडियोस। सो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, बिल्कुल फ्री है। और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर देना ताकि मेरे सारे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पे आए। और साथ ही साथ मेरे इंस्टाग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब फॉलो कर लेना, यहाँ पे हैंडल्स हैं जाके फॉलो कर सकते हो। सो जैसा कि आपको टाइटल से पता चल गया होगा, आज का वीडियो होने वाला है मीशो समर टॉप्स। सो मैंने मीशो से बहुत सारे ट्रेंडी एंड बहुत ही कलरफुल टॉप्स मंगाए हैं। विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज video. So these are the tops which I am having. Total around 6 tops and everything is under or around rupees 200, 230, 250 के अंदर सारे ही टॉप्स हैं, क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल एंड काफ़ी कलरफुल टॉप्स मंगाए हैं। सो इस वीडियो में वो होने वाले हैं। एंड अगर आप भी ढूंढ रहे हो कुछ अच्छे टॉप्स हैं अंडर बजट, सो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। और अगर आपकी कोई फ्रेंड है तो आप उसको भी ये वीडियो सजेस्ट कर सकते हो। सो लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट टॉप ऑफ दिस। दिस इज द फर्स्ट टॉप जो कि इसके छोटे से पैकेट में आया था। मैंने उसको पहले खोल के ट्राई ऑन करके देख लिया है एंड ये एकदम नापकिन जैसा है। क्वालिटी मतलब कपड़ा काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। सो अगर मैं इसकी बात करूँ कि ये कौन सा है, सो दिस इज़ दी वुमेंस गर्ल स्लिम फिट क्रॉप टॉप एंड दिस इज़ फॉर 232। बट मुझे आफ्टर डिस्काउंट इसका जो प्राइस पड़ा है वो है 214, क्योंकि ऑफकोर्स जब आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो ना तो उसमें कुछ मीशो के एंड से कुछ डिस्काउंट भी लगता है। सो दिस इज़ हाउ द टॉप इज़ लुकिंग वाइल आई परचेज दिस प्रोडक्ट, आई मीन जब मैंने इसको कार्ट में ऐड किया था। एंड मुझे कुछ ये मिला है एग्जैक्टली टॉप, तो टॉप बिल्कुल ही वैसा है बट थोड़ा सा ज़्यादा ही क्रॉप है। इतना क्रॉप नहीं एक्सपेक्ट किया था मैंने, क्रॉप एक्चुअली मैंने पढ़ा ही नहीं था कि ये क्रॉप टॉप है। सो अगर यहाँ उन्होंने मेंशन किया था क्रॉप है और क्रॉप दिया है तो देन इट्स ओके। बट मैंने ध्यान नहीं दिया था और मैंने ले लिया, मुझे लगा थोड़ा लंबा होगा ऊपर से। तो ऑफकोर्स अगर आप ऐसे टॉप वेयर करते हो एंड आई यू कम्फर्टेबल, सो फॉर श्योर आप बिल्कुल ले सकते हो। बहुत ही वाइब्रेंट कलर है, समझ में बहुत प्यारा लगेगा, पिक्चर्स बहुत प्यारी आएंगी। इसको आप कोई भी ब्रंच डेट ब्रंच पे या नाइट आउट में या डेट नाइट में आराम से कैरी कर सकते हो, बहुत ही प्यारा लगेगा। जो मटेरियल है ऐसा नहीं कि कहीं से सी थ्रू है, अगर इतने का है सी थ्रू कहीं से भी नहीं है। और पीछे से आपको ऐसे बस स्ट्रिप मिल जाती है जो कि ऐसा लगे। आपको ये टॉप कैसा लगा? मुझे काफ़ी अच्छा लगा बट क्रॉप मुझे थोड़ा ज़्यादा लगा। अगर थोड़ा क्रॉप कम होता तो मुझे ज़्यादा बेटर लगता और मैं इसको रखती, तो मुझे लगता है कि मैं शायद इसको रिटर्न करूँगी या मे बी रखूँगी। आई डोंट नो, व्हाट डू यू थिंक गाइस, मुझे रखना चाहिए रिटर्न करना चाहिए? सो आप बिल्कुल बताना। सो ये था हमारा फर्स्ट टॉप। कहना चाहूँगी 4 out of 5 जस्ट बिकॉज वो ज़्यादा क्रॉप था और वो मेरी गलती थी, उनकी गलती नहीं थी, मैंने ही नहीं चेक करा। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट मैं अपने साथ देख रही हूँ, तो ऐसे 4.5 भी दे सकते हैं। मूव ऑन टू द सेकंड टॉप ऑफ दिस हॉल। द सेकंड टॉप विच आई हैव ऑर्डर्ड इन ब्राउन कलर। सो ये जो जो सारे टॉप्स की डिलीवरी थी ये मैंने ऑर्डर किया था, मुझे 3 से 4 दिन में सारे टॉप्स रिसीव हो चुके हैं। सो अगर मैं इसकी बात करूँ तो दिस इज दिस न्यू पीको टॉप करके नाम है इसका। एंड इसमें ना इसमें भी बहुत सारे कलर्स अवेलेबल थे। ये आजकल जैसे अर्बैनिक इन सब पे चले हैं, इसका जो फिटिंग है वो बहुत ही ऑफ लगा क्योंकि ये फिटिंग काफ़ी अच्छा है। मैंने इसको सब में साइज़ जो है स्मॉल ऑर्डर किया था बट इसकी जो फिटिंग मुझे कुछ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, हालाँकि पहनने पर ठीक ही लग रहा था। सो ऊपर से कुछ आपको ऐसे आएगा, आपको ऐसे पहनना होगा। फुल स्लीव्स टॉप है ये और यहाँ से आपको कुछ स्लीव्स में कुछ ऐसी डिटेलिंग मिल जाती है, मतलब इस तरीके का। एंड देन उसके बाद नीचे आते आते ना ये ऐसे ट्रायंगल करके मिलता है। सो काफ़ी ज़्यादा मुझे कलर बहुत प्यारा लगा था, मुझे लगा था ये अच्छा लगेगा। सो आप बताना, मुझे कुछ ऐसा दिख रहा था पिक्चर में और मुझे कुछ ऐसा लग रहा था पहनने के बाद। सो आप बताना कैसा लगा। हालांकि इसका जो मटेरियल है वो काफ़ी ज़्यादा थिन है, सी थ्रू तो नहीं कहेंगे बट हाँ आप आराम से उसको, ऐसा स्ट्रेचेबल टॉप है। सो वुमेंस का ये ब्राउन कलर का मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा था, आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है और यहाँ पे आपको इस तरीके का कुछ ऐसे लेयर मिल जाता है। टॉप को आई जस्ट गिव अ 4 out of 5 क्योंकि मुझे ना इसका मतलब पूरा लुक जो है ना वो उतना पसंद नहीं आया जितना मैंने सोचा था जितना मैंने सोचा था कि उस तरीके का हो सकता है। भाई बहुत आवाज़ होती है इधर उधर। सो या दिस इज़ द सेकेंड टॉप एंड लेट मी नो कि आप ये लेना चाहोगे नहीं। इसका भी लिंक एज यूजुअल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, सो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। कमेंट्स में ना लिंक का वर्क नहीं करते हैं, सो अगर कमेंट्स में आप लिंक देखते हो जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखो, बहुत ही ईजिली आपको सब लिंक्स मिल जाएंगे, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड टॉप ऑफ दिस हॉल।
ओके सो जो थर्ड टॉप है इट्स अ कॉम्बो ऑफ टू. सो बेस्ट सेलर फॉर टैंक टॉप है विमेंस का. मैंने स्क्वायर टैंक टॉप है, स्क्वायर शेप में, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे होंगे, ब्लैक एंड व्हाइट कलर में. ये ना बहुत ही बेसिक टॉप होते हैं जो समर्स में बहुत ही रिक्वायर्ड होते हैं. इसके ऊपर आप कोई भी शर्ट कैरी कर लो, कोई जैकेट, डेनिम जैकेट कैरी कर लो, बहुत ही सही लगता है. सो जब कुछ समझ नहीं आ रहा होता ना तो दीज टॉप कम्स रियली हैंड. ज़्यादा क्रॉप है सो आपको कुछ ऐसा लगेगा ये वाइट टॉप है इतना. एंड हाँ, काफ़ी स्ट्रेचेबल भी है. सो मतलब ऐसा नहीं कि इतने क्रॉप है, उतने काफ़ी अच्छे भी लगते हैं. साथ ही साथ उसके साथ वाइट भी है. और इसके प्राइस की बात करूँ तो ये सिर्फ 217 रुपीज़ में आपको मिल रहे हैं. कपड़े की क्वालिटी काफ़ी सही है, ऐसा नहीं है. मैंने इसको एक बार दो बार पहन के धो भी चुकी हूँ मैं, तो मुझे काफ़ी ये मैंने थोड़ा सा पहले मंगाया था इस वाले इन सारे टॉप्स को ऑर्डर करने से पहले. मैंने कहा मेरे पास ये है तो मैं आपको दिखा दी. मैंने अभी रिसेंटली ऑर्डर नहीं किया, मेरे पास पहले से भी थी. सो इसीलिए मैंने कहा कि ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, बहुत चीज़ें बहुत ज़्यादा बेसिक है. सबकी कबर्ड में ये दोनों तरीके के टॉप बिल्कुल होने चाहिए, ताकि आप कुछ भी अगर स्टाइलिंग कर रहे हो, आपको नहीं समझ में आ रहा क्या पहने आज क्या पहने, बट शर्ट डालनी है, थोड़ा स्टाइलिश भी दिखना है, सो आप इसके नीचे ये पहनो एंड यू आर सॉर्ट. एंड काफी अफोर्डेबल है, क्वालिटी भी अच्छी है. सो आई विल दिस जस्ट गिव 5 out of 5. प्राइस, क्वालिटी, मटेरियल सबके बेसिस पे और जो डिलीवरी एंड सबके बेसिस, मैंने इसको धो के भी देख लिया है, तो बिल्कुल भाई 5 out of 5 ही मैं दूंगी. ये बिल्कुल मस्ट हैव है सबके कबर्ड में, मतलब ये बेसिक चीज है जो सब सारी गर्ल्स के कबर्ड में ऐसी चीजें होनी चाहिए. सो दिस इज़ दी फोर्थ टॉप एंड इसका जो नेम है वो है क्लासिक सेंसेशनल वुमेंस टॉप एंड ट्यूनिक. ये मतलब दो साथ में थे. और इसका जो प्राइस था, ओरिजिनल प्राइस था, वो था 193-196 ऐसे करके था. बट मुझे जिसका प्राइस पड़ा है आफ्टर डिस्काउंट वो मैं आपको भी बता देती हूँ. दिस कॉस्टेड मी अराउंड 194 में मुझे एक अंदर का इनर टॉप मिलता है, ऊपर से एक शर्ट भी है. मतलब इट्स अ स्टील डील. सो अगर आप प्रेफर करते हो ऐसे टॉप पहनना तो बिल्कुल. ये तो मतलब ये आपका इनर टॉप है जो आप इनर में पहनते हो, बट इसके ना काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट्स जो हैं वो निकले हुए हैं यहाँ से, स्ट्रेचेबल मतलब एडजस्ट करने के लिए आपको दिया हुआ है. एंड दिस इज़ लाइक टू मतलब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेचेबल है. सो इसमें आप थोड़ा साइज़ भी अगर बड़ा है आपका तो अभी आराम से आप आ जाओ. कुछ लगता है ये भी क्रॉप्ड ही है एंड उसके ऊपर से आपको ये ऐसे करके ना शर्ट दी गई है, जो कि आप पहनोगे तो अच्छा लगता है. इसके ऊपर ऐसे ओपन करके पहनो तो ये मुझे ठीक लगी, बट आई एम नॉट रियली हैप्पी विद दी क्वालिटी, क्योंकि इसके बहुत सारे जो थ्रेड्स हैं ना वो निकले हुए हैं. आई डोंट नो क्या इशू है, बट पहनने पर ठीक लग रहा था, मुझे डिसेंट टॉप लगा. और जो प्राइस है इसका एंड इसकी ना शर्ट की जो कपड़े का मटेरियल है वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा. कुछ मिक्स्ड मटेरियल है, बट ठीक है यार, हम इतने में कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं. टॉप एंड मुझे मतलब बहुत ही डिसेंट लगा. दैट्स व्हाई आई एम जस्ट गिव दिस अ 3 out of 5, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आया. एंड ऑल्सो आई हैव अप्लाइड रियली डार्क लिपस्टिक टुडे. आई मीन दैट्स नॉट मी, मैं बिल्कुल भी डार्क लिपस्टिक नहीं प्रेफर करती हूँ लगाना. और मुझे आज इतना अनकम्फर्टेबल लग रहा है, मतलब मुझे बार बार खुद को देख के लग रहा है कि ओ माई गॉड क्या लगा लिया. बट ठीक है, आई थिंक कभी कदर आउट ऑफ कम्फर्ट जोन भी जाना चाहिए. सो या मैंने लगाया हुआ है, मुझे बिल्कुल भी कंफर्ट वाली फीलिंग नहीं आ रही है. आप बताना क्या आपको भी ऐसा लगता है, आप भी ऐसे हो कि आपको डार्क लिपस्टिक लगा के कम्फर्टेबल नहीं होते हो तो, और आपको भी लाइट शेड्स पसंद है. सो डू कमेंट डाउन अगर आप मुझसे रिलेट करते हो तो. सो या विदाउट, सो लेट्स मूव ऑन टू दी 5th टॉप ऑफ दिस हॉल एंड वाइट कलर. और ये था ट्रेंडी सेंसेशनल वुमेन्स टॉप एंड ट्यूनिक. और इसमें ना बहुत सारे कलर्स भी अवेलेबल थे, पिंक, ब्लू, वाइट और लाइट पिंक करके, और पर्पल भी था. सो मैंने ये ब्लैक एंड वाइट लिया है, मुझे कि ये कॉम्बिनेशन ज़्यादा अच्छा लग रहा था, देखने में बहुत प्यारा लग रहा है और फिटिंग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी आई है मुझे पहनने के बाद. सो इसका जो ओरिजिनल प्राइस था वो 198 रुपीज़ था, बट मुझे जो इसका प्राइस मुझे जितने में मिला है मैं आपको बता देती हूँ. वेट अ सेकेंड, हाँ, आई गॉट इट इन 189 रुपीज़ ओनली. सो मतलब विच इज़ अ स्टील डील अकॉर्डिंग टू मी. सो ये ऐसे करके है, यहाँ पे ऐसे करके बो निकली हुई है. ये आपको ना क्रिस क्रॉस करके आपको नेक में जाता है, ये यहाँ पे ऐसे करके आपको बांधना होता है. एंड दिस इज हाउ द टॉप लुक्स लाइक. क्रॉप है, बहुत ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं है, बहुत ज़्यादा क्रॉप भी नहीं है. सो दिस इज हाउ, और यहाँ पे ना ऐसे करके से वी डिटेल डी हुई है. सो दिस इज हाउ आई एम लुकिंग वाइल वेयरिंग दिस टॉप. लेट मी नो योर थॉट्स. मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, फिटिंग भी अच्छी आ रही थी. साइज ना सबका ही स्मॉल साइज था, हालांकि ये सारे ही टॉप्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेचेबल है. तो अगर आप मीडियम साइज में भी हो, आपने गलती से स्मॉल ऑर्डर कर लिया, तो आराम से आप आ जाओगे इसमें. सो या दिस इज हाउ द टॉप इज लुकिंग एंड लेट मी नो योर थॉट्स. मैं इसको लिटरली 4 out of 5 देना चाहूंगी, क्योंकि मुझे ठीक लगा, बट मुझे और ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी. इस प्राइस में अगर ये मिल रहा है तो 4.5 तो फिर बनता है, तो मैं इसको बिल्कुल 4.5 देना चाहूंगी. एंड लेट मी नो योर थॉट्स. ये ना थोड़ा सा वो कोरियन वाइब्स दे रहा था, कोरियन टॉप आप कह सकते हो कि कोरियन टाइप ऑफ टॉप है, एंड काफी ज्यादा प्यारा एंड क्यूट सारा वाइब दे रहा था. सो लेट मी नो. एंड एज यूजुअल लिंक्स आप देख लेना, अगर आपको इनमें से कोई भी टॉप पसंद आता है
स्टफ लेने के लिए. एंड लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट स्टॉप ऑफ दिस हॉल. सो द लास्ट स्टॉप ऑफ दिस हॉल इज द विमेन स्लीवलेस पोलो कॉलर रिप सॉलिड टॉप. एंड इस गेस में भी ना बहुत सारे कलर्स जो थे वो अवेलेबल थे. इसका जो ओरिजिनल प्राइस था वो 180 था और मुझे 180 में ही मिला था क्योंकि मैंने आई थिंक वो सिंगल ही ऑर्डर किया था या मे बी कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर किया था, इसलिए मुझे कोई डिस्काउंट नहीं लगा था. हालांकि आप अगर कैश ऑन डिलीवरी नहीं ऑर्डर करते, ऑनलाइन पे करते, तो उसमें भी कुछ डिस्काउंट देते हैं. इसमें रेड, ऑरेंज, ब्लैक, ब्लू, ब्राउन, पर्पल, हर तरह के कलर्स थे. एंड दिस हाउ द टॉप लुक्स लाइक. सो यहाँ पे आपको ऐसे कॉलर मिल जाता है ऐसे करके. एंड दिस इज द कलर. कलर बहुत ही प्यारा कलर है, मतलब ये थोड़ा सा रिंकल्स है, बहुत ही प्यारा कलर है. एंड पीछे ना इट्स लाइक बैकलेस, सो मतलब बैकलेस नहीं कहेंगे हम, बट हाँ ये हॉल्टर नेक है, इसको हॉल्टर नेक कहते हैं. तो पहनने पे बहुत ही प्यारा लग रहा था. मैं आपको ये पिक्चर थी, ये इस तरीके का टॉप दिख रहा था और पहनने पे इस तरीके का लग रहा था. पहनने पे इट्स लुकिंग रियली गुड. और कलर ना इतना प्यारा है कि समर्स में और ज़्यादा प्यारा लगता है, पिक्चर्स और प्यारी आती हैं. सो इसीलिए मुझे ये टॉप बिल्कुल अच्छा लगा और मैं मेरे पास ये था तो आई थॉट कि मुझे ये दिखाना तो बिल्कुल बनता है. ये आपका वी नेक है एंड दिस इज हाउ द टॉप लुक्स लाइक. हॉल्टर नेक इसको कहते हैं एग्जैक्टली. और आप बताना आपको इन सारे टॉप में से सबसे ज़्यादा टॉप कौन सा. ऑल्सो अगर आपने प्रीवियस ब्लॉग्स नहीं देखे, प्रीवियस यूट्यूब वीडियोस नहीं देखे, तो आके बिल्कुल देखो. ये सारी वीडियोस आई हुई हैं. डू गिव इट अ वॉच एंड लेट मी नो योर थॉट्स. या गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो. एंड ये जो समर हॉल है, समर टॉप्स हॉल अच्छे लगे हों. काफ़ी ज़्यादा फ्रेश एंड आदि समरी कलर्स जो थे मैंने ऑर्डर किए थे, काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल था. सो मैंने अफोर्डेबल का ही फैक्टर सोच के ऑर्डर किया था. ये सारे टॉप्स जो है ना वो बहुत ही समरिश थे और पिक्चर्स भी बहुत प्यारी आती हैं. लेट मी नो कि और किस तरीके के हॉल और वीडियोस आप देखना चाहते हो. आई विल रियली लव टू फिल ऑल ऑफ देम. एंड अगर वीडियो पसंद आया हो, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो वीडियो एंड कोई भी टॉप पसंद आया, यू नो द ड्रिल. यू हैव टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड बी अ पार्ट ऑफ माय फैमिली. मैं बस आपको इतना बोलना चाहूंगी कि अगर अभी तक आप मेरी फैमिली का पार्ट नहीं बने हो और आप एक नए मेंबर हो और ये वीडियो देख रहे हो, एंड अगर आप अभी तक देख रहे हो, सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर. एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर. खुद से प्यार करिए, खुश रहिए. बाय.